धुआं की वजह से यहाँ पर अंधेरा छाता नजर आ रहा है, पूरी तरह से शहर को निगलता नजर आ रहा है ये सुनामी। तो 32 फुट ऊंची लहरें यहाँ पर उठती नजर आ रही है। 2 सदियों का सबसे बड़ा भूकंप यहाँ पर आज आया है। बड़े भूकंप के बाद यहाँ पर सुनामी का कहर देखने को मिल रहा है, शहर को बर्बाद करता नजर आ रहा है ये सुनामी। इस वक्त 5 न्यूक्लियर प्लांट बंद कर दिए गए हैं, बुलेट ट्रेन रोक दी गई है, एयरपोर्ट की सेवा को बंद कर दिया गया है और 40 लाख इमारतों की बिजली इस वक्त बंद कर दी गई है, यानी 40 लाख इमारतों से बिजली गुल हो चुकी है। इमारतों को खाली कराने का काम बहुत ही जोर पर हो रहा है, यानी राहत कार्य भी यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू कर चुका है, लोगों को निकालने की कोशिश जारी है, इमारतों को खाली कराया जा रहा है, दफ्तर में जो लोग मौजूद हैं उन्हें भी बाहर निकालने की कोशिश जारी है। लेकिन शहर के बाहर का नजारा अगर हम देखें तो काफी भयानक नजारा इस वक्त हम देख सकते हैं कि समुन्दर का पानी किस तरह से इस शहर को निगलता नजर आ रहा है, अपने आगोश में लेता नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जहाज जो पानी में मौजूद थे वो किस तरह से बहते चले जा रहे हैं, ब्रिज तक पानी पहुंच चुका है, जो गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थी, जो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी वो भी बमुश्किल यहाँ पर चल पा रही है, बहुत ही तेज रफ्तार नहीं ये गाड़ियों को चला पा रहे हैं, जल्दबाजी में ये निकलना चाहते हैं यहाँ से, लेकिन मजबूरी इनकी ये है कि पूरी तरह से पानी सड़कों पर भर चुका है और ये अपने वाहन ले नहीं जा सकते। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जापान में सुनामी की खबर, सांदेही शहर पूरी तरह से सुनामी में डूब चुका है। 8.9 की तीव्रता से, 8.9 मैग्नीट्यूड की तीव्रता से यहाँ पर ये भूकंप आया, जिसके बाद अब यहाँ पर सुनामी का कहर देखने को मिल रहा है। रिफाइनरी प्लांट में आग लगने की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि तेल रिफाइनरी में आग लगी है और इसके बाद कितनी बड़ी और भीषण आग है ये देखा जा सकता है साफ तस्वीरों में, और धुआं भी इसे उठता नजर आ रहा है। दफ्तर के अंदर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जब भूकंप की तीव्रता यहाँ पर 8.9 की गई थी तब उस वक्त दफ्तर में बैठे लोगों को किस तरह से इस भूकंप का सामना करना पड़ा, और वही अब सुनामी के बाद की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो सड़कों पर पानी भर चुका है, गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है, गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबती नजर आ रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हर तरफ जापान में इस वक्त तबाही ही तबाही मची हुई है। टोक्यो में इमारत को खाली करवा दिया गया है भूकंप के बाद। बताया जाता है कि मियागी शहर और फुकुशिमा शहर तबाही के कगार पर था और यहाँ पर अब भूकंप का ये केंद्र माना जा रहा है, और पूर्व एशिया में इस वक्त सुनामी के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में हालांकि इस सुनामी से किसी तरह का कोई खतरा न होने की बात वैज्ञानिक कह रहे हैं, और 2 सदियों का सबसे बड़ा भूकंप किस तरह से तबाही मचा रहा है इस वक्त साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है, बहता चला जा रहा है शहर इस सुनामी की लहरों में। तो कहीं आग तो कहीं पानी का बहाव साफ देखा जा सकता है। देखने पर एक पल के लिए ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की किसी फिल्म का नजारा है, जिसमें अब बहुत ही ज्यादा इफेक्ट देकर इसे इफेक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत इस वक्त की ये जापान की तस्वीरें हैं, जहां पर सच्चाई में अगर देखा जाए तो सच्चाई तस्वीर इस वक्त सामने नजर आ रही है पूरी दुनिया के सामने कि किस तरह से सुनामी का कहर इस वक्त जापान में बरसा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो राहत कार्य जोरों पर है इस वक्त, शहर को खाली कराने की कोशिश में लगे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, और इसी के साथ आपको बता दें कि इमारतों को खाली कराने की कोशिश बहुत ही तेजी से यहां पर शुरू है, दफ्तरों को खाली करवाने की पूरी कार्रवाई जो है वो चल रही है। 40 लाख इमारतों में इस वक्त बिजली गुल हो चुकी है और अब
कहीं से भी किसी को भी संदेश देने की अगर कोशिश की जाए तो यहाँ पर अब फिलहाल के लिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा। तो देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग राहत के लिए कोशिश करते नजर आ रहे हैं, बचाव मदद के लिए बचाव के लिए किस तरह से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पानी का बहाव कितनी तेजी से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बोट जो समुद्र के अंदर मौजूद थी वो भी बह निकले हैं शहर को पूरी तरह से तबाह करने की, और ये लहरें तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो बिजली के खंभे जो यहाँ पर लगे थे वो भी पानी में बह निकले हैं, पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और जहां जहां से ये सुनामी की लहरें गुजर रही है वहां वहां पर तबाही का मंजर साफ देखने को मिल रहा है। बड़ी तबाही जापान में, जापान में भूकंप और सुनामी ने जापान को पूरी तरह से लगभग तबाह कर दिया है। टोक्यो शहर पर अब खतरा मंडरा रहा है, टोक्यो शहर किसी भी वक्त डूब सकता है। खबरों के मुताबिक जापान में इस वक्त हालात बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं, जहां भी निगाह जाती है सब तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत का मंजर दिखाई देता है, तबाही का मंजर दिखाई देता है जापान में। लगातार खबरें आ रही हैं जापान में काफी बड़ी इस वक्त मुसीबत आन पड़ी है, बहुत बड़ा भूकंप और साथ में सुनामी की ये ऊंची उठती लहरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये खतरनाक जानलेवा लहरें धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जापान के तमाम शहरों को अपनी आगोश में लेती हुई जापान को तबाही के मंजर में धकेल रही हैं। ये है तस्वीरें, सीधी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, टीवी 9 पर आप देख रहे हैं तस्वीरें। जापान शहर पर बहुत बड़ा खतरा एक साथ आया, दोहरी मार जापान पर इन ऊंची उठती लहरों ने, इस सुनामी ने तमाम चीजों को अपनी चपेट में लेते हुए पूरी तरह से मौत का नंगा नाच यहां पर शुरू कर दिया है, मौत का खेल शुरू हो चुका है जापान में। और जापान की इस बड़ी मुसीबत से जापान को उबरने में काफी वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जापान को कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए कि जापान इस मुसीबत से बाहर आए। जापान को समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत, अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचने शुरू हो गई है और जापान के तमाम इलाकों पर हाई अलर्ट, पूरे जापान में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। बहुत बड़ा भूकंप, बहुत बड़ी सुनामी, तबाही बहुत बड़े पैमाने पर जापान में हो रही है ये तबाही, और इसे रोक पाना शायद नामुमकिन जरूर लग रहा है। रेल सेवाएं ठप हो चुकी हैं, बुलेट ट्रेनें रोक दी गई हैं, यातायात ठप हो चुका है, और जापान में हवाई सेवाएं पूरी तरह से रोक दी गई हैं, और इस भूकंप और सुनामी ने जापान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है जो बचा हो। जापान में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, तबाह हो चुका है, और जापान को इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकलना है। जापान में काफी बड़ा इस वक्त नुकसान हुआ है, एक बड़े भूकंप के बाद लगातार झटके आते गए, और इस भूकंप का एपिक सेंटर जिन इलाकों में है जिस समुद्र तट पर है वहां से तेज लहरें एक के बाद एक आगे बढ़ती हुई जापान को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। कुछ भी नहीं बचा है, पूरी तरह से जापान इस वक्त तबाही के कगार पर है।
खबरों के मुताबिक टोक्यो शहर किसी भी वक्त डूब सकता है। इस वक्त सूत्रों से आ रही हैं खबरें, टोक्यो शहर पर खतरा मंडरा रहा है। टोक्यो जापान की राजधानी, जहां तमाम जापान में इस वक्त काफी बड़े भूकंप और सुनामी से मौत का मंजर दिखाई देता है, और ये तेज ऊंची उठती लहरें, लगभग 30 फीट तक ऊंची उठती लहरों ने जापान को धीरे धीरे तबाह कर दिया है। अब तक का सबसे बड़ा भूकंप, सबसे बड़ी तबाही, इस सदी की अब तक की सबसे बड़ी तबाही, बड़ा भूकंप। जापान इस वक्त इस बड़ी तबाही से गुजर रहा है, इस बड़ी तबाही से जूझ रहा है, और